हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त ब्लॉग हिमांशु आ गया न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ। लेकिन एक सेकंड हे दोस्तों, जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, आशीष और मैं बीच के पूरे मजे ले चुके हैं, प्रॉपर एक्सप्लोर कर चुके हैं बीच को। उसके बाद हम वीडियो को किसी कारणवश कंटिन्यू नहीं कर पाए। हमने इस वीडियो में उसके बाद क्या हुआ उसको भी कवर करा है और एंड तक एक मंदिर को भी कवर करा है, जो कि आपको पता ही है जगन्नाथपुरी चार धाम में से एक धाम है। तो इस वीडियो में बने रहें। तो हे दोस्तों, जैसा कि हम बीच को एक्सप्लोर करके आ चुके हैं प्रॉपर तरीके से, आखिर अभी हम लोकल फूड ट्राई करने जा रहे हैं। यहाँ का जो लोकल फूड है वो ट्राई करने जा रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा का मेरे को पता नहीं है ज्यादा क्या लोकल फूड है, तो इस आशीष को ज्यादा पता है, ये प्रॉपर बताएगा आपको। बाकी मार्केट का भी अच्छा आपको भी दिखाता हूँ। आशीष और मैं अभी ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या खाना है सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारी आइटम है यहाँ पे, एक एक करके ज्यादा तो नहीं खा पाएंगे। गाइस, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है पर लिखा क्या है, ये देख सकते हो। ये भगवान क्या जुलूम है, कुछ तो लिखा है, कुछ तो लिखा हुआ है। आशीष भाई क्या खाने वाले हैं यहाँ के? चाट भाई, चाट 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 के ये चाट खाएगा, इधर भी देखना। और हमारे एक भाई भी है, गुड्डू भाई है, ये हमारे साथ 25 रुपए वाला टाइगर सिरप। चाट कैसी है? अच्छा ठीक है, चलो मैं भी टेस्ट करता हूँ अभी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी ठीक है। तो भाई आए बोल दो, अभी चाट वगैरह खा रहे हैं और अभी दिखाते हैं तुम्हें आगे और क्या खा सकते हैं हम इधर। यार यहाँ पर सी फूड बहुत ज्यादा है, प्रॉन्स, फिश, चिकन, मटन, तो वो हम बिल्कुल खाने नहीं वाले हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है वो शुद्ध शाकाहारी ब्लॉग है। ये हुई ना बात। गाइस, अभी हमें एक स्वीट की दुकान मिली है, जीवन ज्योति स्वीट। कुछ मीठ हो जाए, क्या खाएगा? इसका नाम रसमलाई है, दिल्ली वाली से थोड़ी सी अलग है, लेकिन ट्राई करते हैं। तो अभी हमने खाई है रसमलाई, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है दिल्ली वाले से, बाकी टेस्ट तो काफी अच्छा है यहाँ का भी। ये देख रहे हो खा रहा भाई अपना। गाइस, ये कुछ और लिया है, ये क्या है? काफी मलाई, रबड़ी मलाई, रबड़ी मलाई, तेरा नहीं आउट है ना? बढ़िया, लेकिन ये भी। तो गाइस, अभी हम खाने वाले हैं छन्ना पोड़ो। एडा गरम थियो, मस्त टेस्ट लग गया, सब गुड़ मस्त लग गया एडा। अच्छा, एडा फेमस छन्ना पोड़ो। नीचे सबटाइटल नहीं आएंगे दोस्तों, तो समझ जाना क्या बोल रहा है भाई अपना। चम्मच का साइज देख रहे हो गाइस, ये देखो। बाकी अब इसको टेस्ट करते हैं। गाइस, ये बहुत ज्यादा गर्म है अभी, फिर भी मैं निर्लज्ज वाइस खा लेता हूँ। भाई का कहना है ये ठंडा हो जाएगा तब ज्यादा अच्छा लगेगा खाने में। तो ये नेक्स्ट आइटम हमने ले लिया है खाने के लिए। हिंदी में जैसे हम कस्टर्ड बोलते हैं ना, क्या बोला तूने? हिंदी में जैसे हम कस्टर्ड बोलते हैं ना, ये उसका बदला वो वर्जन है। हिंदी में तो नहीं बोलते कस्टर्ड। भाई साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? दिख तो अच्छा रहा है गाइस, मलाई और पनीर मिला दिया ऐसा लग रहा है, सब मिक्स कर दिया इधर। ये थोड़ा हमें फीका फीका लगा, क्योंकि दूध पनीर खोया सब मिक्स कर दिया इधर। तो गाइस, जैसा कि हमने स्वीट्स खा लिए हैं, बहुत ज्यादा मीठा हो गया है, मैं तो वैसे भी कम खाता हूँ मीठा, बाकी भाई अभी भी खा ही रहा है। बाकी अभी मैंने आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ के बारे में, तो जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो भी यहीं से रिलेटेड होगा, तो आप उसे जरूर देखना। उड़ीसा में हूँ काफी दिन तक, तो यहाँ पे आराम से मजे करूंगा। The next morning. तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जगन्नाथपुरी,
जैसा कि मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो मंदिर है जगन्नाथपुरी। ये यहाँ का बहुत ही प्राचीन और काफी पुराना मंदिर है जिसकी मान्यता तो यहाँ पे है ही। अभी हम जा रहे हैं लाइन लगाने के लिए यहाँ पे आशीष ब्रो। भाई कम से कम 3 घंटा में लाइन लगानी पड़ेगी। चलो सुबह के 4:30 बजे उठ के हम यहाँ पे आए हैं और अभी हमें लाइन में लगने जाना है। बाकी हमारे साथ अभी 2 भाई और आए हैं हमारे जो कैमरे में नहीं आना चाहते हैं। सामने मेन मंदिर का एंट्रेंस है। बाकी यहाँ पे अभी भीड़ कम है लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा रहती है इसलिए हम सुबह जल्दी आए हैं इधर। बाकी मेन मंदिर वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज आशीष और मैंने धोती पहनी है तो वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले आशीष को दिखाता हूँ, आशीष कैसा लग रहा है धोती में? आज देख सकते हो आशीष लुंगी में आ चुका है। ये हमसे संभल ही नहीं जा रही है लेकिन फिर भी क्योंकि हवा बहुत चल रही है इधर। ये गाइस हिमांशु है, इसने भी धोती पहन ली है फुल चौड़ में, संभाल ही नहीं जा रही है लेकिन। तो अभी हमने चलते चलते प्रसाद भी ले लिया है यहाँ पे जहाँ से अभी मंदिर की एंट्री होगी। अभी हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे लाइन वगैरह लगेगी तो हम भी जाते हैं लाइन वगैरह लगाते हैं। और यहाँ पर रथ यात्रा के लिए रथ भी बन रहे हैं इधर। तो दोस्तों जैसा कि मंदिर से चलते चलते हम यहाँ तक आ गए हैं और बाकी यहाँ पे अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है। बाकी मंदिर के जो एंट्रेंस है वो यहाँ से होने वाली है तो फोन वगैरह हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, अपना शूज वगैरह भी यहीं पे रख दिए जाते हैं और मंदिर के अंदर ये सब अलाउड नहीं है तो शूज वगैरह मैं भी रखने जा रहा हूँ, फोन भी। भैया हम भी रखेंगे फोन क्या रखने पे। अच्छा चलो गाइस मिलते हैं मंदिर के दर्शन करके आता हूँ फिर आपको मिलता हूँ मैं। 3 hours later गाइस जैसा कि मंदिर से आ चुके हैं, बहुत ज्यादा पसीनों का दिन हो गया है, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे तो यार। बाकी यहाँ से हमने अभी अपने जो भी हमारी चप्पल वगैरह है फोन वगैरह हमने सबमिट करे थे वो भी ले लिए हैं जब भी मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। और बाकी का इस हुआ ये है कि अंदर ना फोन अलाउड नहीं है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं आपको आउटर एरिया के वहाँ से दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ मंदिर की। बाकी पसीना पसीना हो गया हूँ मैं आशीष, हम सारे पसीना पसीना हो गए हैं। इस भाई का नाम मैंने रखा है ओपनर। कैमरा बंद कर दे। नहीं हाँ भाई ओपनर चले जल्दी जल्दी, थक गया ये ओपनर भी हमारा। गाइस अब बहुत ज्यादा थक गए हैं, घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं अब हम। देखो ये रहा टेंपल भाई साहब फुल उसमें आ चुके हैं अपने लुंगी डांस करने के मूड में। गाइस भीड़ देखो यहाँ पे कितनी हो रही है, देखो यहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ से सीधा। देख रहे हो इतनी लंबी लाइन है वहां तक, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे गाइस। बाकी और मंदिर के अंदर जैसे बढ़ते हैं ना तो वहां पे भी बहुत ज्यादा बड़ी लाइन लगी हुई है। ये ले हाँ, बाकी ये जो मंदिर का एरिया है एक दक्षिण साइड से यहाँ पे एंट्री हो रही है। बाकी गाइस यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है तो हम तो सुबह आए थे और अब बज गए हैं 8, तो देख रहे हो 5 बजे के बंदे आए थे और बज गए हैं 8, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो बाकी हम घर की तरफ जा रहे हैं,
तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करंतु शेयर करंतु और हिंदी का वीडियो देखा पाई ये चैनल को सब्सक्राइब करंतु। क्या बोला है गाइस समझ नहीं आया होगा तुम्हें, मैं बता देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब तो, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो बोलो जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जी का, चलो बाय बाय।